शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। वाह 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 बिग बी, अब पता चला मेरी बहन आप पर इतना क्यों मरती है। सुपर स्टाइल है आपकी। अरे अरे बैठिए, इतनी इज्जत देने की जरूरत नहीं। वो तो ठीक है, बहन दामाद ये सब है क्या? आप कौन है? बहुत मजाकी है। मैं सीरियसली आपसे पूछ रहा हूँ, आप है कौन? हमारे काशी भाई से पूछता है कौन है। अरे सर आप काशी हैं, मिलकर खुशी हुई, मेरा नाम आनंद है। आप यहाँ वहाँ मुझे क्यों ढूंढ रहे हैं? अरे अपनी बहन के लिए। बहन के लिए? हाँ। कौन है आपकी बहन? दीपिका, मेडिकल कॉलेज में पढ़ती है। दीपिका फर्स्ट ईयर में पढ़ती है या फाइनल ईयर में पढ़ने वाली? दीपिका सर नहीं 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 नहीं, देखिए आप मेरे साथ मजाक मत कीजिए, मेरी बहन आपसे शादी करना चाहती है। देख तेरे को बता देता हूँ, आपको बता देता हूँ, मैं मेरी बहन आपसे शादी करना चाहती है। वो मेडिक, देखिए मेरी बहन दीपिका आपसे शादी करना चाहती है, आप हाँ कर दीजिए बस। अरे रे 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 रे, इससे पहले भी मैं काफी लोगों से कह चुका हूँ, आपसे भी कह देता हूँ, मुझे आपकी बहन बिल्कुल पसंद नहीं है। आपकी बहन जैसी कई लड़कियां हैं जो मुझसे शादी करना चाहती है, बट आई डोंट लाइक देम। अभी तो खेलने कूदने के दिन है मेरे, इतनी जल्दी शादी करके आंसू नहीं बहाने। और रहा सवाल आपकी बहन का, आई डोंट लाइक हर। ए सिल्वा। हाँ भाई। इधर आ रे। क्या हुआ? तुझे कितनी बार बोला, एक ही बात कितनी बार समझाओ, चल जा, जा। खाइए ना, आराम से खाइए। माँ जी आपने मेरी माँ को भी ओवरटेक कर दिया। माँ जी ओवरटेक कर दिया, इतने प्यार से खिला रही है, मैं आपका एहसान कैसे चुकाऊंगा? अच्छी तरह खाइए। कैसे चुकाऊंगा? अरे बस बस माँ जी बहुत हो गया। कोई बात नहीं, आपको पूरा खाना पड़ेगा। आप साधारण आदमी नहीं है, आप इस एरिया के काउंसिलर हैं, कितने बड़े आदमी हैं। हमारे घर में आकर खाया, ये हमारे लिए गर्व की बात है। ऐसी बात है, शुक्रिया माँ जी। इन्हें भी खाने के लिए कहिए। नहीं 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 माँ जी नहीं। क्यों? वो इसलिए कि ये लोग वेजिटेरियन है। वो क्या है ना, नॉनवेज सिर्फ मैं खाता हूँ। अच्छा अच्छा। ये केकड़ा है ना, डालिए ना, मुझे बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। माँ क्या है बेटा? ये क्या माँ, आज तुम सारे भिखारियों को जमा करके खाना खिला रही हो? मैं भिखारी हूँ, इसे कैसे पता चला? चुप कर। ये क्या इसका घर है? जरा रुकिए माँ जी, ये कौन है? ये मेरा बेटा है। आहा, ये तो मेरा दुश्मन है, चलो दुश्मन के घर का नमक खा लिया। माँ जी इंसान की सीरत देखनी चाहिए, उसकी सूरत नहीं देखनी चाहिए, कहिए इससे। आप बुरा मत मानिए, मैं उसे जाकर समझाती हूँ। क्या है? अरे है? वो भिखारी नहीं है, इस एरिया के काउंसिलर हैं। उनका नाम स्नेक बाबू है। कौन सा बाबू? स्नेक बाबू। चलो अब चलना चाहिए। हाँ चलिए। हेलो रंगीले। हेलो मिस्टर, माय नेम स्नेक बाबू। हाँ वो तो ठीक है, मुझे जो सही लगेगा वही कहूंगा ना। हाउ आर यू डूइंग, नाइस टू मीट यू। भाई फॉर्मेलिटी के लिए हाथ मिला लीजिए। चुप कर, ये मेरा हाथ है। कोई बात नहीं, वेलकम टू माय हाउस। ये कड़कर कड़कर की क्या आवाज थी? वो क्या है कि मेरे दांत बज रहे थे। दांत बजने की? पर मुझे तो कुछ टूटने की आवाज लगी। दांत मेरे थे, उंगलियां उसकी टूट रही थी। अंदर तक कांप रहा है ये हाथ, घर में खाना खाने के बदले हाथ तोड़ दिया। ए सांप को खाना खिलाओ या दूध पिलाओ, वो बदला जरूर लेता है। तेरी मेरी दुश्मनी कभी खत्म नहीं होगी, मैं तुझे डस कर रहूंगा। माँ जरा डंडा देना। काउंसलर को अब डंडे पड़ेंगे। चलो सब लोग निकलो। भाई बहन की कार टूटने का और बुखार आने का कारण एक ही आदमी है। क्या नाम है उसका? उसका नाम आनंद है। हाँ भाई हमने पता किया है, वो बहन के कॉलेज में ही पढ़ता है। उसे जलाया या दफनाया, बड़ी कहाँ है? नहीं भाई, मेरी बहन को तंग करने वाले को तुमने जिंदा कैसे छोड़ दिया? Hey, 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 hey,
कहाँ है आनंद? बता जल्दी। ऊपर। अरे वाह। मैं ही हूँ आनंद। ये आनंद है, चलो। यही आनंद है, चलो से। ये क्या बहन, तुम मुझे हर बात बताती थी। उसने तुम्हारी गाड़ी तोड़ी, तुम्हें तंग किया, कुछ भी नहीं बताया मुझे। मैं उसे पसंद करती हूँ। पसंद करती हो? मैंने उसे मारने को कह दिया। ए, ए, हेलो। ओके भाई, ये बात है। अच्छा ठीक है। अरे क्यों, क्या हुआ? बिग बी, आप जाइए। हैं? कृपा करके आप अभी आइए। क्या? जाओ भाई जाओ। क्या मुसीबत है, गुंडे या किसी जू के बंदर? मुझे बहुत पसंद है वो। अरे मगर ऐसी क्या बात है उसमें? कॉलेज में सब मुझसे डर कर भागते हैं, लेकिन वो अकेला लड़का है जो मेरा सामना करता है। मुझे वो बहुत हिम्मत वाला लगता है। वैसे तो वो मुझे पसंद है। अगर मैं किसी के साथ जी सकती हूँ तो सच कहूँ मुझे लगता है बस वही है। भैया, आज तक आपने मेरी हर इच्छा पूरी की है। मैं उससे शादी करना चाहती हूँ, करवा दीजिए। अरे मारने को कहो तो किसी को जान से मार दूंगा, लेकिन ये सब शादी ब्याह कराने की बात मुझे मत कहना भैया। अच्छा ठीक है, तुम जाओ, मैं देख लूंगा, जाओ। अरे बड़ी मुश्किल है, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ओहो, उस डॉक्टर से शादी करना चाहती है वो? वो है पढ़ा लिखा और मैं हूँ अंगूठा छाप। अब उससे बात करेंगे तो कैसे करेंगे? आखिर डॉक्टर से बात करने के लिए उसकी लेवल का कोई आदमी होना चाहिए ना। भाई अपने गवर्नर को भेजते हैं। अरे वो हैंगिंग गार्डन में गोलगप्पे खाने गए हैं। तो भाई अपने मिनिस्टर प्रसन्न पाठक। अबे वो भी हमारी तरह टपोरी है, क्या बात करेगा वो वहाँ जाकर डॉक्टर के साथ? भाई आपसे जो अक्सर मिलने आते हैं कोट शर्ट पहनकर। कोट और सूट पहनकर? अरे भाई वो सफेद एम्बेसडर कार जो खूब सारी आवाज करती है, वो लाल बत्ती दिन में भी जलती रहती है जिसके ऊपर, और रात को खराब हो जाती है तो टॉर्च लेते हैं। अच्छा अच्छा कलेक्टर। हाँ भाई वही। अबे कितना पढ़ा है तू? क्लास एक तक पढ़ा हूँ भाई। देखने से ही पढ़ा लिखा नजर आ रहा है, ये सुपर आइडिया दिया है। ए, कलेक्टर को फोन लगा चल। ओके काशी, ओके मेडिकल कॉलेज में चलो। कलेक्टर साहब आ गए, आनंद सर, आनंद सर, कुछ समझ में ही नहीं। आनंद सर क्या हुआ? आपसे मिलने के लिए कलेक्टर साहब आए हैं सर। सर आप जैसा बड़ा आदमी मुझसे मिलने आया है, ये मुझ जैसे इंसान के लिए बहुत ही गर्व की बात है। कहिए क्या काम है? एक साधारण मिडिल क्लास फैमिली में जन्म हुआ है तुम्हारा, अब किस्मत खुल गई तुम्हारी। अच्छा वो कैसे? काशी की बहन तुम्हें पसंद करती है, तुमसे शादी करना चाहती है। सर ये काशी कौन है? काशी को नहीं जानते? इस शहर का सबसे बड़ा भाई, पुलिस से लेकर पॉलिटिशियन तक सब उसकी मुट्ठी में है, वो जो भी चाहता है कर सकता है। भैया लेफ्ट लीजिए, सर आपके लिए क्या किया उन्होंने? पहले मैं कहीं और ड्यूटी पर था और दाल रोटी खा रहा था, उसके एक कॉल करने पर, जस्ट वन कॉल, मेरा ट्रांसफर यहाँ शहर में हो गया। उसके पास जितना पावर है उतना ही पैसा भी। सर 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 जरा सामने तो देखिए, रास्ते की हालत कितनी बुरी हो गई है। कॉर्पोरेशन वाले बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं, कितने गड्ढे हो गए हैं, लेकिन उन्होंने आज तक कुछ नहीं किया। बेटे ये तो लोगों की परेशानियां हैं, एप्लीकेशन देंगे तो ठीक हो जाएगी। अच्छा ऐसी बात है। बेटे पता है ये कंस्ट्रक्शन किसका है? ये कंस्ट्रक्शन गवर्नमेंट का है, काशी भाई का है। उसने अपनी बहन के लिए कंस्ट्रक्शन बनवाया है, बाद में यह हॉस्पिटल बन जाएगा। अगर तुम उससे शादी करते हो तो ये हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज बन जाएगा, और मेडिकल कॉलेज से ये रिसर्च सेंटर डिसेंट यूनिवर्सिटी बन जाएगी। फिर तुम खुद डॉक्टर की डिग्रियां बांट सकते हो, तब तुम्हें कौन रोक सकेगा? मेरे ख्याल से अभी तुम सब कुछ समझ गए होगे, है ना? तुम बहुत किस्मत वाले हो, करोड़ों कमा सकते हो। क्या कहते हो, काशी को फोन करूं? फोन करने की तकलीफ मत कीजिए, आपकी उतरने की जगह आ गई है, आप उतर सकते हैं। ए, अड़ो, अड़ो।
चलो चलो उधर, आ जाते हैं। बोलो मैं काशी को क्या कहूँ? सिंपल सी बात है, वो लड़की मुझे पसंद नहीं है। मैं बहन को मना कर चुका हूँ, आप जाकर भाई को मना कर दीजिए। तुम काशी का बैकग्राउंड जाने बिना बोल रहे हो। इन बातों को छोड़िए सर, आप अपना बैकग्राउंड देखिए। आप जिले के कलेक्टर हैं, आईएएस ऑफिसर, आप भी तो एक मिडिल क्लास से ही कलेक्टर बने हैं। मैंने लोगों की जान बचाने वाले कई कलेक्टर देखे हैं, लेकिन इस शहर के गुंडे मवालियों को सपोर्ट करने वाला कलेक्टर मैं पहली बार देख रहा हूँ। और आप उस गुंडे के लिए मुझे मेरी मर्जी के बिना उसकी बहन से प्यार नहीं करवा सकते हैं, कभी नहीं। प्लीज एक अच्छे कलेक्टर बनिए। वाह 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 वाह, अब उनको बहुत पसंद आया। अगर वो यस बोलता था तो आप नो बोलता था, लेकिन काशी की बहन है, यह जानकर भी उसने नो बोला, आप उनको बहुत पसंद आया। ए, ये कलेक्टर वाला आइडिया किसने दिया था रे? उसने भाई। मैंने भाई? तेरी। हे, वो डॉक्टर है, कलेक्टर से नहीं डरेगा, वो पुलिस से डरेगा, सिर्फ पुलिस से। क्या बोलता है कलेक्टर? ठीक है काशी, उससे बात करना बेकार है, उसे धमकाना पड़ेगा। अरे अपना वो पुलिस डिपार्टमेंट में बड़ी बड़ी मूंछ वाला है ना, क्या नाम है उसका? अरे वो यार, बड़ी बड़ी मूंछ वाला। परिमल काशी, परिमल मुच्छड़ परिमल। अरे आओ आओ परिमल, मुच्छड़ परिमल, तुझे ही याद कर रहे थे। काशी क्या हुआ, कलेक्टर साहब भी आए हुए हैं? कुछ नहीं बे मुच्छड़, मेरी बहन का रिश्ता लेकर कलेक्टर को भेजा था, लड़के ने इनकार कर दिया। क्या कहा? इनकार कर दिया? एक बार उसका पता बताओ, अभी उठाकर अंदर कर देता हूँ, नहीं तो मेरा नाम मुच्छड़ परिमल नहीं। करो, तुम्हारे अंदर बात करने की अकल नहीं है। देख भाई मुच्छड़, नाम है आनंद, मेडिकल कॉलेज का स्टूडेंट है। अब तू क्या करता है इससे मुझे कुछ लेना देना नहीं, मेरी बहन की शादी करवानी है। तुम कार्ड छपवाओ, मैं लड़के को लेकर आता हूँ। सुन मैं मुच्छड़, लड़के के साथ नहीं आया तो तेरी मूछ मुड़वा दूंगा। आइए अंकल। अंकल? हाँ, उम्र में बड़े हैं इसलिए अंकल कह रहा हूँ, बुरा लगा तो कुछ और कह सकता हूँ। नहीं, बोलो बोलो। तुमने मेरा नाम सुना है? मुच्छड़ परिमल। हाँ, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट, इसलिए आपने बुलाया तो मैं दौड़कर फौरन चला आया। सुना है काशी की बहन से शादी करने से इनकार कर दिया? जी हाँ सर। बेटा, कलेक्टर के पूछने पर मना कर दिया, ये एनकाउंटर दूसरे किस्म का होगा, क्या कहते हो? सर अभी मेरा जवाब वही होगा, फाइनल जवाब है। तुम मुझे नहीं जानते, मेरा नाम मुच्छड़ परिमल है, मेरे नाम से सब डरते हैं, समझे? मैंने 10 शहरों में 20 लोगों को भगा भगा कर एनकाउंटर किया है। हाँ, बात करता है। सर आपके चिल्लाने से तो मेरी आइसक्रीम पिघल गई, देखिए जमीन पर क्या हाल हो गया है उसका। लेकिन अंकल, मैं नहीं पिघलूंगा। ऐसी बात है, नहीं पिघलेगा। हे, मैं चाहूं तो तुझे अभी शूट कर सकता हूं, समझे? लेकिन करूंगा नहीं। मैं डर गया, लेकिन टेक्निकली आपको एक प्रॉब्लम है। मुझे शूट करने से पहले आपको कलेक्टर से परमिशन लेनी पड़ेगी, उस कलेक्टर को मैंने ही परमिशन नहीं दी है, तो आप मुझे कैसे शूट कर सकते हैं, जरा इतना बताइए। अगर फिर भी आपको मुझे शूट करना है तो अंकल मैं आपको एक पोज देता हूँ, आप मुझे शूट कीजिए ना शूट, प्लीज अंकल शूट कीजिए ना। इंतजार किसका है, शूट कीजिए। लगता है फंस गया यार। क्या बेटा इमोशनल हो गए, मैं तो मजाक कर रहा था। बेटा एक काम करो, मेरी बात मानो, काशी की बहन से शादी कर लो। प्लीज अंकल मुझे फोर्स मत कीजिए। देखो मेरी तुमसे एक रिक्वेस्ट है, अभी फॉर्मेलिटी पूरी कर लो, उसके बाद चाहो तो डिवोर्स कर देना। अरे अंकल ये आप कैसी बातें कर रहे हैं, मैं आपकी कितनी इज्जत करता हूँ, लेकिन आप एक शादी के ब्रोकर की तरह, मिडलमैन की तरह। क्या बेटा तुम ऐसी बात कर रहे हो, मान जाओ ना। सर गुंडों को पुलिस वालों का डर रहना चाहिए, लेकिन यहाँ तो एक पुलिस वाला ही गुंडों से डर रहा है, बड़े शर्म की बात है। कलेक्टर से नहीं डरता, पुलिस से भी नहीं डरता, तुम लोग क्यों बैठे हो यहाँ, जाओ। आई एम सॉरी काशी, अब मैं चलता हूँ। वो कोई साधारण आदमी नहीं है। क्या बात करते हैं भाई, एक बार आप मुझे बोलकर तो देखिए, मैं उसके परिवार को उठाकर ले आऊं। मोटे तुझे इतना गुस्सा आ रहा है ना,
सोच मुझे कितना गुस्सा आ रहा है। अगर पसंद नहीं करती तो उसको अभी इधर के इधर खत्म कर देता मैं, लेकिन क्या कर सकता हूँ, मेरी बहन को वही पसंद है। भैया उसका नाराज होना जायज है, मैंने उसे बहुत टॉर्चर किया है, ये हमारा घरेलू मामला है, किसी और को भेजने से अच्छा है आप खुद उससे जाकर बात कीजिए। आप जाएंगे ना? क्या बहन, क्या कह रही हो तुम? तुम्हारे लिए जी रहा हूँ मैं, तुमने कह दिया तो समझो हो गया। ए, कल का अपॉइंटमेंट ले रहे डॉक्टर से मिलने का। ओके बहना। ओके। हेलो, कौन बोल रहा है? भाई आपसे मिलना चाह रहे हैं। देखिए मेरी बात सुनिए, मैं अपनी माँ का इकलौता बेटा हूँ। ये भाई कौन है? काशी भाई मिलना चाहते हैं तुमसे। ओ काशी भाई, कौन से डिपार्टमेंट से? हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। ओ अच्छा अच्छा, माया जाल में मैं आइसक्रीम खा रहा हूँ, अब 5 मिनट में आकर मिल ले मुझसे वो। ओके ओके ओके, भाई माया स्टोर में वो आइसक्रीम खा रहा है, बोला है 5 मिनट में वहाँ पहुँचो। अबे तो बताने में इतनी देर क्यों कर रहा है, चलो 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 चलो। उधर 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 देखो, चलो उधर देखो। ए कोई यहाँ आइसक्रीम खा रहा था क्या? पता नहीं सर। हाँ पता नहीं, यहाँ पर खा रहा था भाई, सब जगह ढूंढ लिया लेकिन कहीं नहीं मिला। कहाँ गया होगा? कहाँ गया होगा? मुझसे पूछ, मुझसे क्या पूछता है, फोन करके पूछ। देखता हूँ देखता। ये क्या सर, आप लोग कितने इरिस्पॉन्सिबल है, कितने देर से मैं माया जाल में इंतजार कर रहा हूँ। सॉरी सर, लेकिन अब आप कहाँ हैं? मैं डोमिनोज में पिज्जा खा रहा हूँ, पिज्जा खत्म होने तक रुकूंगा बस। डोमिनोज में पिज्जा खा रहे हैं, वहीं रुके, हम लोग 5 मिनट में पहुँचते हैं। ए, अबे तू 5 मिनट में कैसे पहुँचेगा? कोशिश करते ना भाई। अबे कोशिश की बात करता है, इतने ट्रैफिक में से कौन निकलेगा? अगर आप बोलते हो तो आधे घंटे का टाइम मांगते ना भाई। यार तेरी तो अक्ल भी मोटी हो चुकी है, चले भाई। ओके ओके चलो। भाई वैसे वो अंदर होगा नहीं, फिर भी एक बार देख ले। भाई अरे भाई, जब आपको पता ही है कि वो अंदर नहीं है तो ढूंढ के क्या फायदा? तेरी जाके देख। भाई आपने बिल्कुल ठीक कहा था, वो अंदर नहीं है। अबे तेरी जा। हे, वो डॉक्टर दूर भाग रहा है ना, लेकिन मैंने सोच लिया है कुछ भी हो जाए मेरी बहन का पति वही बनेगा। फोन लगा चल। अरे क्या यार, फिर से लेट हो गया। सॉरी सर, अब आप कहाँ हैं? मैं जू बीच पर हूँ। क्या साहब उल्लू बना रहे हैं, इस बार वहाँ आएंगे तो आप मिलेंगे ना साहब? अरे हाँ हाँ बिल्कुल मिलूंगा, आ तो जाओ। क्या, क्या बोलता है, वहाँ मिलेगा ना? हाँ बोला तो है मिलेगा। मिलेगा ना? हाँ भाई मिलेगा ना। चल ना फिर। वाह 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 बिग बी, अब पता चला मेरी बहन आप पर इतना क्यों मरती है, सुपर्ब स्टाइल है आपकी। अरे अरे बैठिए, इतनी इज्जत देने की जरूरत नहीं। वो तो ठीक है, बहन दामाद ये सब है क्या, आप कौन है? बहुत मजाकी है। मैं सीरियसली आपसे पूछ रहा हूँ, आप है कौन? हमारे काशी भाई से पूछता है कौन है। अरे सर आप काशी है, मिलकर खुशी हुई, मेरा नाम आनंद है। आप यहाँ वहाँ मुझे क्यों ढूंढ रहे हैं? अरे अपनी बहन के लिए। बहन के लिए? कौन है आपकी बहन? दीपिका, मेडिकल कॉलेज में पढ़ती है। दीपिका फर्स्ट ईयर में पढ़ती है या फाइनल ईयर में पढ़ने वाली दीपिका? सर नहीं 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 नहीं, नहीं। देखिए आप मेरे साथ मजाक मत कीजिए, मेरी बहन आपसे शादी करना चाहती है। देख तेरे को बता देता हूँ, आपको बता देता हूँ मैं, मेरी बहन आपसे शादी करना चाहती है। वो मेडिकल, देखिए मेरी बहन दीपिका आपसे शादी करना चाहती है, आप हाँ कर दीजिए बस। अरे रे रे रे, इससे पहले भी मैं काफी लोगों से कह चुका हूँ, आपसे भी कह देता हूँ, मुझे आपकी बहन बिल्कुल पसंद नहीं है। आपकी बहन जैसी कई लड़कियां हैं जो मुझसे शादी करना चाहती है, बट आई डोंट लाइक देम। अभी तो खेलने कूदने के दिन है मेरे, इतनी जल्दी शादी करके आंसू नहीं बहाने। और रहा सवाल आपकी बहन का, आई डोंट लाइक हर। ए सिल्वा। हाँ भाई। इधर आ रे। क्या हुआ? तुझे कितनी बार बोला, एक ही बात कितनी बार समझाओ, चल जा, जा।
मैं आपको कितनी बार समझाऊं, आपने क्या कहा मेरी समझ में नहीं आया। तो सुन, तेरी बहन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ए, देख 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 देख, मुझे टेंशन मत दे, मेरे सब्र का इम्तिहान मत ले। मेरी बहन की वजह से तुझे छोड़ रहा हूँ, वरना तेरे छोटे छोटे टुकड़े करके रास्तों पे फिकवा दे। सॉरी सॉरी, माफ कर देना। देखिए, मुझे जरा गुस्सा आ जाता है, हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। मेरी छोटी सी लाडली बहन है, वो आपसे प्यार करती है, वो ठीक से खाना नहीं खाती, सोती भी नहीं है, घर में चारों तरफ आप ही की तस्वीर लगा रखी है, बस आप हाँ कर दीजिए। नहीं, ना मत कहिएगा, उसका दिल टूट जाएगा। बोलिए, क्यों क्यों आप मेरी बहन को पसंद नहीं करते? मेरे स्टेटस से आपका स्टेटस अलग है। स्टेटस? बस इतनी सी बात के लिए इतना कुछ? बड़ा मजाकी हो। अच्छा सुनो, मेरे पास गाड़ी, बंगला, पैसा सब कुछ है, तुम्हारे पास नहीं ना? अरे तो क्या बात है, मेरी बहन से शादी हो जाएगी तो वो सब तुम्हारा हो जाएगा, बात बराबर। स्टेटस वो है जो समाज हमें देता है। मैं गरीब हूँ, लेकिन एक गौरवशाली परिवार से हूँ, अच्छे खानदान से हूँ। वैसे समाज के नजरों से देखा जाए तो मेरा पेशा एक डॉक्टर का है। वैसे आपका क्या पेशा है? मैं व्यापारी हूँ। कैसा व्यापारी? तुम काम क्या करते हो ये बताते हुए शर्म आ रही है ना? क्योंकि तुम काम ही इतना घटिया करते हो कि बताने में शर्म आ रही है। शहर का दादा, गुंडागर्दी करना, फिरौती लेना, लूट मचाना, स्मगलिंग करना, वगैरह वगैरह वगैरह। IPCL की तमाम धाराओं के तहत तुम्हें कभी भी जेल के अंदर बंद किया जा सकता है। और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ संबंध जोड़ूं? ऐसे संबंधों को मैं ठोकर मारता हूं। तुम्हारी बहन से शादी नहीं करूंगा, ये मेरा फैसला है। मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है, ये संबंध नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। भैया रुकिए, भैया क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं आप? रुकिए। कहता है उसे तुम पसंद नहीं, बस अगर एक बार तुम कह दो उसके फोटो को नहीं असली में उसको गोली मार दो। मत होइए भैया, क्या हुआ बताइए। वो डॉक्टर है और हम गुंडे हैं। वो डॉक्टर कहता है हमारा स्टेटस बराबरी का नहीं है, स्टेटस की बात करता है। ऐसा कहा उसने? हाँ बहना। ठीक ही तो कहा, क्या गलत है? क्या क्या बात कर रही हो? हम गुंडे हैं और वो डॉक्टर, इसलिए हमारा स्टेटस बराबरी का नहीं होगा। अब आप डॉक्टर नहीं बन सकते तो उसका स्टेटस चेंज कर देते हैं। वो कैसे? उसे गुंडा बना दो, उसे पूरा मावाली बना दो। क्या कह रही हो तुम? तब फिर वो भी गुंडा और हम भी गुंडे, स्टेटस बराबर हो जाएगा, तब तो रिश्ता करेगा। मुझे बस वो चाहिए, हर कीमत पर, फिर चाहे उसे गुंडा बनाकर ही अपनाना पड़े। अरे वाह 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 वाह, मेरी छोटी सी बहना का दिमाग कितना तेज है। ए! सुन लो साहब, शहर का हर आदमी उसे गुंडा बोलना चाहिए। जाओ।